सो वंस अगेन वेलकम बैक टू चैनल गाइस, अच्छे नेक्स्ट आज आपके लिए लाया है एक और वीडियो। भाई ये वीडियो अपनी XUV 500 टेस्ट ड्राइव पे रहने वाली है। तो आज हम ड्राइव कर रहे हैं 500 XUV। अभी इसमें लाइक 700 भी आ चुकी है, तो ये डिसकंटिन्यू की गई है। बाकी भाई गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है। इंजन की बात करें तो आपको सेम इंजन मिलेगा जो आपको स्कॉर्पियो में मिलता है, 2.2 लीटर का 2200 सीसी का इंजन है इसमें, जो प्रोड्यूस करता है 153 bhp की पावर एट 3800 rpm एंड 360 nm का टॉर्क एट 1700 टू 2800 rpm। बाकी फ्रंट व्हील ड्राइव है, इतना वैसे महसूस नहीं होता है। टॉर्क काफ़ी अच्छा है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में। तो भाई देखो ये चढ़ाई है और अभी मैं गाड़ी को उठाऊंगा, कितने प्यार से उठेगी देखना। बहुत प्यार से उठी है, टॉर्क अच्छा बनाती है, ये चीज मैं पहले भी नोटिस कर रहा था। इतना मतलब एक तो जैसे ही छोड़ देते हैं ना क्लच, थोड़ी इसकी एकदम से ऊपर आती है तो झटके से उठती है, तो टॉर्क काफी अच्छा है। इवन दो फ्रंट व्हील ड्राइव है, बट फ्रंट व्हील ड्राइव में भी इतनी चढ़ाई पे ऐवी चढ़ गई, काफी सही चीज लगी है। अगर मैं आपको बताऊं कि लाइक चढ़ाई पे मैं अभी चढ़ा रहा था, बिल्कुल रोक के मैंने चढ़ाई थी, काफी अच्छी खासी चढ़ाई थी, उस पर भी मैं चढ़ा रहा था तो बहुत ही आराम से उठ गई। हाँ थोड़ा सा वैसे तो हल्का सा रफनेस इसके गियर शिफ्टिंग में है, तो वो कुछ सीन है। बाकी 220 की इसमें आपको मैक्स स्पीड मिलेगी एंड 7000 का मैक्स आरपीएम मिलेगा, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा। ये W9 वेरिएंट है, जो इसका W11 आता है उसमें आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिलेगा। एंड थोड़ा सा पंप रखते हैं तो सस्पेंशन काफ़ी अच्छा है गाड़ी का, बहुत ही अच्छा सस्पेंशन है। टायर साइज है इसमें आपको 235 का मिलेगा, 235/65R17 17 इंच का इसमें आपको अलॉय व्हील मिलेगा। और लाइक अभी मैं चला रहा हूँ तो गड्ढे वगैरह पता ही नहीं चल रहे हैं, सस्पेंशन सच में काफ़ी अच्छा है। और उसी के साथ साथ माइलेज की बात करें तो इन सिटी आपको ये अगर बात करें माइलेज की तो सिटी में वही 9-10 की माइलेज देती है एंड ऑन हाईवे टिल 16 km/h की माइलेज ये आपको नॉर्मली दे देगी। यहाँ पे आप ड्राइव इन्फो चेक करें, अभी 9 km/h की माइलेज दे रही है, चेकआउट करो। तक इसमें स्टॉप वगैरह सब कुछ बता देता है। थोड़ा सा लाइक या तो टॉर्क काफी ज्यादा निकालती है तो इसलिए 2000 rpm तक पहुंचने में टाइम लेती है, या फिर वो ऑटोमेटिकली टाइम लेती है, क्योंकि मैं जितना ऑब्जर्व कर रहा हूँ 2000 से पहले ही ये गियर शिफ्ट का आपको इंडिकेशन दे देती है, 2000 rpm से पहले ही आपको गियर शिफ्ट का इंडिकेशन मिल जाएगा। ये देखो ये आ गया, ऑलमोस्ट 2000 पे ही मिलता है वैसे तो। एंड ये देखो, ये देखो 2000 पे पहुंचा दिया, 4 का दे दिया था। जैसे मतलब एसोलेशन पे डिपेंड करता है, जितनी फास्ट आप एसोलेशन देंगे उतनी फास्ट आपको गियर शिफ्टिंग का इंडिकेशन शो करेगा। एंड पिकअप वैसे अच्छा है, काफ़ी अच्छा पिकअप है, थोड़ा सा रोड यार ऐसा ही है, बाकी आगे से हैरियर आ रखी आ रही है। सफारी थी। Yeah, I was not wrong. काफी स्मूथ ड्राइव है एंड मजा है गाड़ी में। ये भी अपने सफारी वाले सेगमेंट में आएगी, जैसे कि सफारी है सेम सेगमेंट में आएगी। सब कुछ स्पेसिफिकेशंस ऑलमोस्ट सेम है, इंजन ले लो आप एंड सब कुछ, और प्राइसिंग भी वहाँ पर आके स्टे करती है। इसके कंपैरेटिव में इनोवा भी आती है, इनोवा और इसमें जो एक मेन जो डिफरेंस आता है वो आपका फ्रंट व्हील एंड रियर व्हील का आता है। सेम स्कॉर्पियो और इसमें भी वही डिफरेंस आता है, स्कॉर्पियो रियर व्हील ड्राइव है, ये फ्रंट व्हील ड्राइव है। एंड जस्ट ये आपको थोड़ी प्रीमियम फील देती है। लाइक मैं अभी बैठ के चला रहा हूँ तो एक तो मैं हाइट पे बैठा हूँ, काफ़ी अच्छी खासी हाइट पे बैठा हूँ,
और इसमें आपको सनरूफ मिलेगा जो आपको स्कॉर्पियो में नहीं मिलता है, बट यार अभी ये ना बहुत हीट फेंक रहा है, इतने से नहीं टॉलरेट होगा। तो थोड़ा सा पंप करके दिखाते हैं कार को। आगे स्पीड वे कर दूंगा। ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है, ऑल फोर आपको डिस्क ब्रेक मिलेंगे एंड लाइक 90 पे जाके आप नॉर्मली इसमें सिक्स गियर लगा सकते हैं, तो अप टू द मार्क ईच एंड एवरीथिंग, काफ़ी अच्छी कार है। बाकी अभी जो XUV700 आई है वो और भी अनाउंस कर दिया लुक वगैरह से। इसी के साथ वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड। अगर आपको वीडियो आई है पसंद तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। उसी के साथ साथ दूसरे चैनल पे विजिट करके अचिन रेक्सवाल व्लॉग्स पे वहाँ पे भी आप चेकआउट करो, सब्सक्राइब करो एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अचिन विद यू फॉर यू ऑलवेज। बाय बाय।